T20 वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में भारत पाकिस्तान को चटाएगा धूल। जान लीजिए कैसे रोहित के धुरंधर पाकिस्तान को याद दिलाएंगे छठी का दूध। 3 मिनट में आपको दिखाएंगे 5 ऐसे कारण जिससे भारत को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। T20 वर्ल्ड कप में भारत अपने अभियान की शुरुआत 23 अक्टूबर को करने जा रहा है। इस दिन टीम का सामना धूर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होने वाला है। दोनों देशों के बीच खेला जाने वाला यह मुकाबला मेलबर्न के मैदान पर 23 अक्टूबर को दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। वर्ल्ड कप मुकाबले से पहले हाल ही एशिया कप के दौरान दोनों टीमें 2 बार एक दूसरे के आमने सामने आई थी। तब एक मैच का परिणाम भारत के पक्ष में रहा था, वहीं एक मुकाबले के परिणाम पाकिस्तान के पक्ष में गए थे। भारत पाकिस्तान के बीच जब भी मैच होते हैं तो आमतौर पर यही देखने को मिलता है कि पाक के गेंदबाज टीम इंडिया के लिए मुश्किलें खड़ी करते हैं। बता दें कि साल 2021 के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी गेंदबाजों का जलवा ही टीम इंडिया के लिए खतरनाक साबित हुआ था। तब टीम इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ अपनी जीत हासिल करने में नाकाम रही थी, लेकिन इस बार अगर टीम इंडिया इन 5 खास बातों पर अमल करेगी तो आसानी से मैच के नतीजे टीम के पक्ष में आ सकते हैं। नंबर 1, शुरुआत के 5 ओवर टीम के लिए है अहम। हर बार टीम इंडिया को कड़ी चुनौती पाकिस्तानी गेंदबाजों से मिलती आई है। खासकर शाहीन शाह अफरीदी और हैरिस राउफ जैसे तेज गेंदबाज टीम इंडिया को हमेशा मुसीबत में डाल देते हैं। ऐसी परिस्थिति में टीम के टॉप क्रम बल्लेबाजों को काफी सतर्कता बरतने की जरूरत है। खासकर शुरुआत के 5 ओवर में अगर टीम के बल्लेबाज विपक्षी टीम पर दबाव जमाने में कामयाब रहे तो मैच पर टीम इंडिया की पकड़ मजबूत हो सकती है। नंबर 2, टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को करनी होगी मजबूत शुरुआत। टीम के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों जैसे रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव को शानदार पारी खेलने की जरूरत होगी। अगर टीम के बल्लेबाज क्रीज पर पाकिस्तान के खिलाफ एक बार सेट हो गए तो फिर टीम इंडिया को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए जरूरी है कि टीम के बल्लेबाजों को अच्छी शुरुआत मिले। नंबर 3, गेंदबाजों के लिए सलामी बल्लेबाज बनेंगे चुनौती। एक तरफ टीम इंडिया के लिए पाकिस्तान की गेंदबाजी चुनौतीपूर्ण होने वाली है, तो वहीं टीम इंडिया को पाकिस्तानी बल्लेबाजों से भी कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तानी टीम की सलामी जोड़ी बहुत तगड़ी है। पाक के सलामी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम अगर क्रीज पर डटे रह गए तो इन दोनों के पास इतनी क्षमता है कि ये मुकाबले को भारत की पहुंच से काफी दूर ले जा सकते हैं। इसीलिए भारतीय गेंदबाजों के कंधे पर ये सबसे बड़ी चुनौती होगी, वो कैसे भी करके विपक्षी टीम के सलामी बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाएं। नंबर 4, मजबूत फील्डिंग जीत में निभाएगी अहम भूमिका। टीम इंडिया को अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी को मजबूत रखते हुए मजबूत फील्डिंग की भी जरूरत है। आमतौर पर टीम की फील्डिंग मैदान पर औसत नजर आती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभ्यास मैच में भारत की फील्डिंग काफी काबिले तारीफ रही थी, और अगर यही फील्डिंग पाकिस्तान के साथ मुकाबले में भी रही तो भारत को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और नंबर 5, गेंदबाजों को करनी होगी धारदार गेंदबाजी। बुमराह के T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाने पर आखिरी के 5 ओवर में टीम की गेंदबाजी से धार खत्म हो गई है। टीम के गेंदबाज आखिरी ओवर्स में बिखरते नजर आ रहे थे। हालांकि शमी के टीम में वापस आ जाने से गेंदबाजी की समस्या का हल भी काफी हद तक हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शमी की गेंदबाजी काफी धारदार रही थी। अगर टीम के गेंदबाज अपनी खतरनाक गेंदबाजी को अख्तियार कर पाए तो टीम को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये थी वो 5 बातें जो पाकिस्तान के खिलाफ तय करती हैं कि भारत की जीत पक्की है और रोहित की आर्मी मेलबर्न में पाकिस्तान को धूल चटाएगी। फिलहाल देखना होगा कि ये मुकाबला कितना रोमांचक रहता है। तो आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए, और क्रिकेट से जुड़ी तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हेडलाइन स्पोर्ट्स के साथ।